सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासक आलोक कुमार दुबे से मिला, जहां इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासक को एक संयुक्त मांग पत्र भी सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर पूर्व पार्षदों ने प्रशासक से नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान कराने की मांग की। वहीं प्रशासक आलोक कुमार दुबे ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जल्दी उसका टेंडर होने वाला है और एस्टिमेट करके चला गया था, पैसा भी आ गया है, बस टेंडर वो जल्दी कराने वाले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। और साथ ही हमारे वार्ड में खड़काही ब्रिज में जाली लगाने के लिए बोर्ड बैठक में बहुत पहले ही 35 वार्ड काउंसलर पारित करवा चुके थे, उन्होंने हामी भरा था, तो इसकी भी उन्होंने बात की है कि हम देखते हैं बहुत ही जल्द। आज हम लोग नगर निगम आदित्यपुर के प्रशासक महोदय से मिलने आए थे। सबसे प्रमुख समस्या हम लोगों के यहाँ दो तीन समस्या है, उसमें पहली समस्या है बहुत दिनों से लाइट रिपेयर नहीं हो रहा है, सभी वार्डों में लाइट खराब है। दूसरी समस्या है कि सर सफाई से संबंधित प्रायः नालियाँ जो है, जो खुली हुई नालियाँ हैं, वो भर चुका है। कुछ वार्ड के वार्ड पार्षद लोग आए थे, कुछ कुछ समस्याएं जो उन्होंने बताया है वो टू द सर्टेन एक्सटेंट जेन्युइन है। जैसे अभी बारिश आ रही है तो हम लोगों को नालों की सफाई जो कराना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टीम गठित की हुई है। तो जो जो समस्याएं हैं, जो जो जगह इन लोगों ने बताया वो हम लोग और प्रॉपरली इंश्योर कर लेंगे, इससे आने वाले टाइम में बारिश में लोगों को कठिनाई ना हो। दूसरा पानी की समस्या है तो उसके लिए हम लोग आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसको की तरफ से भी हम लोगों को अभी 2 टैंकर केएल का मिल रहा है, तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो पानी की समस्या थी टू सर्टेन एक्सटेंट।